दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो यहाँ पर आज का जो प्रॉफिट है आपके सामने, यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर जितने भी लोग सीखते हैं वो लोग पूरी की पूरी अपडेट के साथ, पूरी मानसिक तैयारी के साथ, पूरा का पूरा प्रॉफिट सुबह के टाइम के अंदर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर ये प्रॉफिट ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट निकालने का जो आर्ट होता है, जो कला होती है, वो कला मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं सिखाता हूँ। आशा करता हूँ कि सीखे, समझे, उसके बाद में ट्रेडिंग करें। साइकोलॉजी मार्केट की क्या होती है वो समझना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही मान लो नज़रिए की तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सस्ता प्रीमियम है, ये महंगा होगा, तो वो सस्ता प्रीमियम पूरा का पूरा जीरो कर देंगे। बाद में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो लोअर प्रीमियम होता है उसको उठाकर ऊपर लेके जाएंगे। ये समझाने के लिए बढ़िया, लेकिन पूरा पहले सुन लीजिए, पढ़ लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर मान लो आपने ये पढ़ लिया तो वाकई में जो वैल्यू है, जो आपकी लर्निंग की वैल्यू है, वो आपको मिल जाएगी। मेरा काम है सिर्फ समझाना सिखाना, सिविल रजिस्टर नहीं हूँ। और जो पर्पज़ है मेरा सिखाने का, कि आज तक मान लो आपने ऑप्शन चेन के अंदर लॉस किया है, तो वो लॉस क्यों किया? बिकॉज कि यहाँ पे लिमिट जो वर्ड्स होता है उसका ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। और GTT वर्ड्स वर्ड्स के बारे में अगर बताओ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें GTD के बारे में पता नहीं है। तो ये दोनों वर्ड्स पर थोड़ा क्लियरेशन करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ सीखे समझे। यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है एजुकेशन पर्पस, पेपर ट्रेडिंग और मेरा मोबाइल नंबर है। लिखा नीचे क्या लिखा है? लॉस फॉर स्ट्रेटेजी मार्केट रीसेलिंग साइड गो। रीसेलिंग साइड गो मतलब कि भैया कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर लोगों का ज़्यादातर नज़रिया बेरिश के अंदर होता है कि निफ्टी के जितने भी प्रीमियम है वो सारे के सारे डिके हो जाएंगे। तो इसमें कोई गलत फहमी नहीं है, बिकॉज के मार्केट जो है प्रीमियम खाने का नजरिया रखता है कि भैया निफ्टी का प्रीमियम है मैं खा लूँ, आउट द मनी के जितने प्रीमियम है सबको मैं दबोच लूँ, और सारे के सारे प्रीमियम को 3 बार 4 बार कैंडल ऊपर नीचे करने के बाद में वो सारे प्रीमियम सेलर्स के जेब में आ जाएंगे, यही उनका नजरिया होता है। तो प्रीमियम चाल क्या होती है, यहाँ पर मैं लेवल अपडेट नहीं देना चाहता, बिकॉज के लेवल अपडेट एक ऐसी चीज है मार्केट के अंदर कि जहाँ पर एक पॉलिटिकल मोमेंट का गेम हो जाता है कि भैया लेवल आता है लेकिन बंदे का प्रीमियम नहीं आता, और बंदा जो सोचता है यार सिर खुजाता है कि बंदा बोले लेवल तो आया लेकिन मेरा प्रीमियम क्यों नहीं आया। तो वो समझाने के लिए वीडियो है। भैया ये 21,800 की पुट 21 मार्च की, अब 21 मार्च की 21,800 की पुट मैंने क्यों बताई, और 100 रुपये का क्लोज मैंने क्यों बताया? भैया इसका जो लोअर था ना वो 24 रुपीज़ का लोअर था, जो इसका सपोर्ट था उसके बाद में 100 रुपया आया। अब क्या है कि 100 रुपये के ऊपर अगर जाता है तो इसका टारगेट कितना हो सकता है, 128 से लेके 132 तक, और 150 तक का सपोर्ट है। सपोर्ट के बाद में क्या होता है, ये रीबाइंग होता है, 112 के SL खाने के लिए आता है, मतलब 12% एक दो दो बोलते हैं ना कि 1.20% की PCR सेटलमेंट का बाइंग आता है, जहाँ पे स्विंग बाय होता है, स्कैल्पिंग बाय होता है। अगर मान लो पुट हुई तो मॉर्निंग के अंदर अगर मान लो आपने जो प्रीमियम बाय किया और आपको प्रीमियम के अंदर 50 से 60 पॉइंट अगर मिल जाते तो आपको वहां पे पी को बुक कर लेना है। बस कहने का मतलब मेरा ही है। तो 100 रुपये का कोई अगर 132 जाता है तो आपने यहाँ पर पुट का प्रॉफिट बुक कर लेना है। 162 का उसका स्कैल्पिंग पुट के अंदर टारगेट होता है, सीधा सीधा टारगेट नहीं होता है, 150 का उसका सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर 21,800 का सी अगर बताऊँ मैं आपको कि 21 मार्च का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, भैया 21 मार्च और चल कौन सा रहा है 14 मार्च। अब 14 मार्च की एक्सपायरी लोग रहे ना आउट द मनी की लेके फंस चुके, 21,200 300 400 500 की आउट द मनी की स्ट्राइक लेकर बैठ चुके, लेकिन वो जो प्रीमियम है 21,500 वाला जो प्रीमियम है, जो भी बंदा लेके बैठा हुआ है उसका प्रीमियम उसे 25 रुपया से लेकर 2.5 रुपया उसको मिलने वाला है प्रीमियम। बिकॉज कि वो प्रीमियम सारे के सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रीमियम खा जाते हैं। तो वो किस तरह से, तो भैया अब जो है ना नए प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, मतलब कि नया प्रीमियम कौन सा है, 21,800 का जिसका क्लोज 307 रुपया क्लोज है, बराबर। और 307 रुपया क्लोज का क्या मतलब हुआ कि भैया ये सपोर्ट पे आके बैठ गया। अब काफी लोगों को लग रहा है कि यार मैं एवरेज करके ना बाहर निकल जाऊंगा और मेरा जो है लॉस जो है कन्वर्ट करके प्रॉफिट में कन्वर्ट करके बुक करके बाहर निकल जाऊंगा, मतलब मुझे लॉस होने वाला नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रैडल यूज करते और बोलते हैं कि भैया पुट जो है प्रॉफिट बुक कर लिया, अब जो है ना कॉल के अंदर कमाएंगे। तो ये साइकोलॉजी पूरी मार्केट मार्केट उल्टी कर देता है। 307 वाला प्रीमियम का लिमिट जो होता है 252 रुपये लिमिट होता है। अगर मान लो सपोर्ट सपोर्ट सरक गया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो 252 का लिमिट हिट हो जाएगा, और लिमिट में जैसे 252 का जैसे लिमिट होता था तो वैसे ही 277, 284,
और 318 का आपको एक टारगेट मिलेगा, जहां पर 307 के बाद में जिन्होंने पुट लिया और पुट लेने के बाद में जिन्होंने को लगता है कि भी पुट लॉन्ग होने वाली है, तो उनकी एसएल ये जो 307 लोअर लिखा है, तो ये 205 252 के बाद में 308 और 318 पे उनकी एसएल हिट हो जाएगी। मतलब कि मार्केट रिवर्स कर लेगा और कॉल की तरफ 318 रुपये टारगेट दे देगा, और 318 और 358 दूसरा भी टारगेट होता है, और वहां पे जाके क्या करेगा, उसका जो बैलेंस शीट पूरा का पूरा सेटलमेंट कर लेगा। मतलब कि ये जो कॉल चल रही है 21,750 की, इसकी मैंने बात की कि 252 से लेके 318 का टारगेट, 358 का टारगेट, 360 का टारगेट, तो ये वाला कॉल जो है ये उल्टा घूमने वाला है भैया, नीचे तोड़ेगा उसके बाद में ऊपर जाएगा। तो ये समझ के आपको चलना है कि पहले मार्केट बेरिश करे, पहले खुले, खुलने के बाद में मार्केट बेरिश करे, और बेरिश के बाद में 252 का एसएल हिट हो, और 252 के बाद में 318, 358, 307, मतलब कि एक फ्रेश प्रीमियम चलेगा। लेकिन आउट द मनी के जितने भी प्रीमियम है भैया, उनका प्रीमियम तो भैया अभी 52 रुपया हो गया ना। अब जो प्रीमियम 100 पे लिया थे और 100 का 150 लिया, 150 का प्रीमियम अगर 52 रुपया, जो बंदा थोड़ी ना खड़ा रहेगा वहां पे, तो लॉस बुक करके बाहर निकल जाएगा। दूसरी चीज है कि वहां पर मार्जिन मनी भी नहीं है पहली बार डीमैट के अंदर, तो भाई साहब के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो कहने का मतलब जो जो सीखने वाले लोग हैं इनको ये सीखना बहुत जरूरी है। अब जैसे 358 जाता है तो बोलबाला शुरू हो जाती है कि 360 के ऊपर भाई, 360 के ऊपर भाई, लेकिन ये नहीं होता है। मार्केट के अंदर क्या होता है कि भैया अगर मान लो आप रजिस्ट्रेशन सपोर्ट दे रहे हो, अगर मान लो आप इस तरह से लेवल दे रहे हो, और कोई बंदा जो ये सोचता है कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो बाय करूंगा, इमोशनली कहीं गया और लॉस हुआ, तो भैया लेवल प्रोवाइड करने वाली गलती नहीं है, लेकिन इमोशनली जो बाय हो गया ना पहले से, उसकी गलती है कि भाई वहां पे इस तरह से पहले से बाय नहीं करते, लेवल को टूटने देते हैं। लेवल को टूटने के बाद में लेवल को लेते हैं तो कहते हैं आपको 50 से 70 पॉइंट की आपको मूवमेंट मिले, जो मेरे ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। तो कहने का मतलब एक कॉल में अगर कमा रहे हो तो फिर बार बार आपको दोबारा कॉल में एंट्री नहीं लेनी नहीं है, बिकॉज अगर बार बार अगर 22,168, 22,100 या 22,082 के ऊपर आप सी लेने गए तो 5-5% की 4 बार आपको एक बोलते हैं ना रिजेक्शन कैंडल बनती है, जैसे बोलते हैं डोजी बनती है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो वो 4 बार के अंदर आपका 5-5% मिलेगा समझ लो, लेकिन खड़े ना खड़े रहे पोजीशन लेके, तो आपका जो प्रीमियम है 252 रुपये का जो प्रीमियम हो, प्रीमियम भी क्या करेगा वो गलाना शुरू कर देगा। मतलब कि अगर मान लो 252 की ये 750 वाली स्ट्राइक है, तो 252 वाला प्रीमियम वापिस से 233 का लोअर देते थे, मतलब कि 252 पे अगर मान लो आपको लग रहा है कि भाई मैं खरीदी करूंगा और मेरा प्रीमियम जो अभी उठने वाला है, तो ये गलत फहमी में ना रहे, बिकॉज के मार्केट के अंदर एक कैंडल यू बनती है, फिर यू बनती है, फिर यू बनती है, फिर नीचे की तरफ जो सपोर्ट होता है सपोर्ट को तोड़ देती है। तो 252 का सपोर्ट अगर टूट जाएगा तो 233 का सपोर्ट है, 233 की लिमिट जो है अगर टूट गई समझ लो तो भैया पूछो ही मत, 212 की लिमिट है, लेकिन 233 की सपोर्ट जो लिमिट होती है कभी कभी टूट जाती है तो कभी कभी नहीं टूटती है, तो टूट गई तो समझ लो 212, मतलब ट्रिपल बॉटम, मतलब बोलते हैं ना डिसेंडिंग चैनल, एसेंडिंग चैनल, तो वो वाले प्रीमियम मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए। तो 233, 212 और जीटीटी 181। अब जीटीटी बना क्या है, ये जीटीटी बना वो है कि भाई जहाँ से मार्केट ने टॉप गेनर की तरफ जाना है और रियल में बाइंग लाना है, मतलब कि इसका जो प्रीवियस 21,750 का तो 340 का लोअर सपोर्ट था, ये लोअर सपोर्ट 340 का तो भैया यहाँ पे एवरेज की 318 की एवरेज की, 327 पे एवरेज की, कुछ बंदे जो है पूरा टारगेट लेने के लिए खड़े रहे, यहाँ पे 358 पे आया पूरा डायर, तो उन लोगों को टारगेट नहीं मिला, बंदे ने क्या किया लॉस बुक किया, लेकिन उसकी एवरेज कहाँ से करने मिलेगी, उसको 181, 175 और 156 को उसको यहाँ पे एवरेज करने मिलेगी, तो होगा क्या उसके साथ भैया पूरा मुनाफा मिलेगा, 424 से लेके 550 से लेके 633 तक का टारगेट उसे मिलेगा। लेकिन इस टारगेट को लेने के लिए ये जो प्रीमियम है 181 वाला, कहीं ये प्रीमियम और ना गला दे, 181, 175 से 156 से लेके डिमांड जोन होता है, और डिमांड जोन से इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का टारगेट जो होता है 550, 633 तक। ये वीडियो जो है आपको एजुकेशन पर्पज लेनी है, अगर मान लो कल सपोर्ट सरकता है तो ये वीडियो आपके काम में आने वाली है, अगर मान लो उल्टा हो गया और कहीं सीधा हाई दे दिया मान लो और हाई को तोड़ दिया, हाई को तोड़ दिया मतलब 21,168 को ही तोड़ दिया, तो भैया बात खत्म जी, ये मेरा वीडियो में पूरा गलत साबित होगा, मतलब इस वीडियो को फॉलो ना करें। मान लो सपोर्ट टूट रहा है तो ये वीडियो काम में आने वाला है, मतलब नोटिंग करेगा कि 21,750 का जो मैंने बोला, 252 का मैंने सपोर्ट बोला और प्रीमियम जो चल रहा है 340 का, और टारगेट अगर बोल रहा हूँ मैं 350 का, मतलब एक कॉल में अगर मान लो आपका टारगेट हिट हो जाता हो तो दोबारा कॉल लेने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से तीन कैंडल बनती है, 1, 2, 3। अब जैसे ये कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करेगी वैसे ही क्या होगा, रिजेक्शन आ जाएगा, मतलब कि ये जो कैंडल है 352, 270 का सपोर्ट तोड़ के सीधा 260 और 250,
मतलब 260 250 के बीच में यहाँ पर क्या होगा, स्केल्पिंग बाय स्केल्पिंग पुट होगा, लेकिन 250 का सपोर्ट टूट गया तो बंदा जो है वो खड़ा रहेगा कहीं और उसको लॉस होने वाला है। मतलब 100 पॉइंट भी अगर मिलते हैं, 70 पॉइंट भी मिलते हैं, 50 पॉइंट भी मिलते हैं, तो लिमिट लगा के काम करो। 252 की लिमिट है, 252 की लिमिट टूटती है तो 233 की लिमिट है, 233 की लिमिट टूटती है तो 212 की लिमिट है, 212 की लिमिट टूटती है तो 181 की, लेकिन एक झटके के अंदर लिमिट कभी टूटती नहीं है, इतना ध्यान में रखें। मार्केट को क्या करना है, झिकझेक करना है, मार्केट को डब्ल्यू पैटर्न बनानी है, एम पैटर्न बनानी है, मार्केट को हमेशा पैटर्न बनानी है, हेड एंड शोल्डर रिवर्सल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनानी होती है, एम पैटर्न बनानी होती है। मतलब मार्केट क्या करता है, ये पैटर्न के हिसाब से मैंने प्रीमियम बना के रखे, जिसे कहते हैं जीटीडी और लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 233 की लिमिट टूट गई, चलो 233 की लिमिट टूट गई, अब 233 की लिमिट टूट गई ना, तो बंदा क्या करेगा, 212 पे आके सीधा बाई करेगा, 222 212 से लेके 218 की, 232 तक की, 250 तक की बाइंग करेगा। मतलब 233 वाली लिमिट होती है वो क्या होती है, हिट हो जाती है। लेकिन 233 की लिमिट अगर मान लो है, हिट हो गई और आपका मान लो लोअर पे चला गया मार्केट और 181 पे मार्केट आ गया समझ लो, तो भैया 233 जाने के लिए उसे तकरीबन सवा घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। अगर मान लो 181 और 156 के बीच में सस्टेन होता है तो सवा से 2.5 घंटे के बाद में ही उसे 233 का टारगेट मिलने वाला है, उसके बिना टारगेट मिलने वाला नहीं है, और एवरेज में ही टारगेट मिलेगा, बिना एवरेज टारगेट नहीं मिलेगा। इसलिए लिमिट का मतलब खास समझ लो कि 233 पे सेलर्स ने खुद ने भी प्रीमियम बाय करके रखे हुए हैं और वहाँ पे कुछ क्वांटिटी उसने होल्ड करी हुई है। अब जो होल्ड वाली क्वांटिटी है उसके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, मान लो कि मैं 1500 लॉट ले रहा हूँ और 1500 लॉट मेरे 233 के अंदर मैंने बाई की है, अब वो बाई करने किए हुए लॉट है ना मैंने 250 में जाके बेच दिए, लेकिन मेरे पास कुछ क्वांटिटी जो बची पड़ी है, जैसे 500 लॉट बचे पड़े और 233 का सपोर्ट मैं तोड़ रहा हूँ और तोड़ने के बाद में 212 पे ला रहा हूँ और 212 का सपोर्ट में झिकझिक करके तोड़ रहा हूँ, 205 पे ला रहा हूँ, बिकॉज की एक्सपायरी मतलब आउट तो मनी के प्रीमियम तो डिके वो नहीं है, तो 205 पे लाया, 205 के बाद में 191 पे लाया, 191 के बाद में 181 पे, 188 और 179 पे लाया, और 179 की जैसे एसी लीड होती है बाद में 184 पे मार्केट चला जाता है। मतलब कि भैया यहाँ पे मैंने अगर मान लो 500 की क्वांटिटी होल्ड करी तो मैं नीचे क्या करूँगा, यहाँ पे 1500 की क्वांटिटी लूंगा और 179 177 से सीधा 184 के अंदर मेरा एवरेज में पूरा कर लूंगा, मतलब मुझे कोई लॉस है नहीं। तो ये रही बात भैया जो लोगों के पास पैसा ज़्यादा पड़ा है उनकी, उसके बाद में 196 का टारगेट, 199 का, और 200 के ऊपर बाय बोलने वाले जब ऑपरेटर बढ़ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो 200 के ऊपर बाय जाने के लिए वापिस से 181 पर 3 बार सपोर्ट करता है, उसके बाद में मार्केट 200 के ऊपर जाता है, 300 के भी ऊपर जाता है, लेकिन कहने का मतलब 200 के ऊपर बाय में आपकी 3 बार ऐसी लीड होती है कि 200 के ऊपर बाय तुरंत कभी होता नहीं है। तो 200 बाय 203 205 हुआ, फिर 200 का सपोर्ट टूट गया समझ लो, क्योंकि लिमिट लगा के रखी थी लोगों ने 200 पे, बहुत होशियार होते लोग कि 200 रुपये पे लिमिट लगा के, तो 200 के बाद में 203 205 हिट होने के बाद में अगर निकलता नहीं है बंदा तो उसकी तो भैया ऐसी लीड होनी ही है, वो तो 191 पे, मतलब 3 बार 181 पे रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट जो है 200 का सपोर्ट तोड़ता है, रजिस्ट्रेशन तोड़ता है, और 218 का रजिस्ट्रेशन तोड़ता है, 227 का भी रजिस्ट्रेशन तोड़ता है, और उसके बाद में मार्केट जो एक दिशा बनाता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है मार्केट के अंदर, मान लो कि भी एक्सपायरी है, अब वो मार्केट किस तरह से चाल चलेगा भैया, प्रीमियम को इतना पूरा दिन डीके करेगा, आधा दिन डीके कर देगा, भैया कोई बंदा है ना सोच नहीं पाएगा कि कॉल होने वाली है पुट होने वाली, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रीमियम है यहाँ पर, जो भी प्रीमियम मैंने ड्राइंग किए वो सारे के सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम है, मतलब ये प्रीमियम को कुछ भी करके 181 का सपोर्ट अगर टूट गया मान लो 21,750 का, तो समझ लो 112 और 136 और 138, मतलब ये प्रीमियम अगर आ गए तो समझ लो कि 181 का सपोर्ट भी टूट गया और जो सपना था 550 का वो भी टूट गया, मतलब कि भैया 136 का मतलब 631, 136 का मतलब 631, मतलब कि उल्टा मार्केट गया और 633 का टारगेट देगा, लेकिन लॉन्ग पोजीशन के अंदर। आशा करता हूँ उस गैप अप के लिए आपको क्या करना है, सीखना है, समझना है। अगर मान लो इसमें से 80% अगर सही साबित हुआ तो भी आपको 100% तो प्रॉफिट मिलने ही वाला है, लेकिन जीटीटी और लिमिट को समझने के बाद में, अगर 233 की लिमिट टूट रही है तो एवरेज आपकी 181 से लेकर 156 की आपकी एवरेज है जो आपको कमा के देगी, जो 227 तक तो कमा के देगी, मतलब 233 का आपका कोई लॉस है नहीं। अगर 233 नहीं भी जाता है तो भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज सबके आपने 175 156 के आपने एवरेज बनाई है, 184 197 205 का आपका रियल में टारगेट है, 210 का आपका टारगेट है, वहाँ पे आप बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई लॉस है नहीं। आशा करता हूँ कि 9919309758 पे, जहाँ पर पेपर ट्रेडिंग पर्पज़ के माध्यम से आपको रियल में लॉस में से कवर स्ट्रेटेजी
प्रॉफिट कवर स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट प्रॉफिट निकालिए कैसी कैसे निकालना है और रियल में आपको कैसे ये सीखना है, उसके माध्यम से ये जो ऑप्शन चेन डेटा का पूरा एनालिसिस करके मैं जो बोलता हूँ और फ्यूचर कंट्रोल कन्वर्ट जो करता हूँ मैं प्रीमियम के अंदर। तो प्रीमियम वाली स्ट्रेटेजी अगर सीख गए तो पेशेंस से, धीरज से, आउट ऑफ द मनी के सस्ते प्रीमियम को लेने की जरूरत नहीं है। बिना प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के सस्ते लिए इंतजार करें, भाई आपका भी टाइम आएगा और आपको वीकली 2 बार आपको ऐसा प्रॉफिट मिलेगा कि आपको 4 दिन प्रॉफिट लेने की मगजमारी करनी नहीं है। आशा करता हूँ सीखे समझे उसके बाद में ट्रेडिंग करें, ऐसे ट्रेडिंग ना करें। मार्केट जो है कहीं भागने वाला नहीं है, मार्केट जो है कमा के देने वाला है। थैंक यू।